जो ये भारतीय जनता पार्टी एक गाय को लेके बहुत बड़ी चिंतित है, एक तरफ गाय के गोबर का इस्तेमाल कराती है और एक तरफ गौ के मूत्र का इस्तेमाल कराती है, क्या सर इससे क्या फ़ायदा होगा और जो गाय के मूत्र और गाय के गोबर से? जय भीम साथियों, बड़े अज्ञानता की बात है ये कि आज देश अपने 70 वर्ष की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बिजनेसमैन बड़े गलत आइडेंटिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भारत में कहा जाता है कि सन्यासी सब कुछ त्यागने को कहते हैं, आज हमारे देश के सन्यासी राजनेता बन रहे हैं। सन्यासी उन्हें कहा जाता है जो सब चीज़ें त्याग देते हैं, लेकिन आज सन्यासी और बाबा बिजनेसमैन बन रहे हैं। तो जो इस देश का बिजनेसमैन है, जो इस देश का कर्मठ है, व्यक्ति है, वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और उस ठगे होने पर जो भावनाएं भड़का के, देखिए गाय एक जानवर है, वो मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आखिर में वो एक जानवर है, वो दूध देने वाला जानवर है, खेती में काम आने वाले गाय के बछड़े हम लोग यूज़ करते रहे हैं, आज ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो वो एक पवित्र जानवर नहीं, एक सीधा साधा जानवर है। कोई भी जानवर पवित्र अपवित्रता की ज्ञान को नहीं जानता है, ये तो मनुष्य के बीच में है, कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, जानवर अपने आप में अपने गुण से वो है। और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जिस जानवर को गाय को लेकर के इतना वो कर रहे हैं, वो आसानी से दूध नहीं देती है, गांव में जाके देख लीजिए, उसको बेचारी के पैरों को बांध दिया जाता है, जबकि भैंस बिना पैरों को बांधे हुए दूध दे देती है। तो गाय के उस उपयोग को मजाक न बनाओ। आज विश्व में आप खुद ही कह रहे हो कि मंगल ग्रह पर हमारा एक यान पहुँच गया, दूसरा एक व्यक्ति पत्रिका निकालता है, वो कहता है कि मैं तो मंगलयान को जरा सा ट्विस्ट कर दूंगा, पता नहीं कौन से वो मंत्र वगैरह से, जैसे अभी और को भी बातें कहीं जा रही हैं कि चाइना बॉर्डर पर हम मंत्र जाप करेंगे जिससे कि वो युद्ध हार जाएंगे, ये हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। चलो भैया, दलित और पिछड़े मारे जा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं, जो ब्राह्मण ठाकुर बनियों के जो सैनिक मारे जा रहे हैं, वो तो अपने मंत्र पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी की बातें ना करो। इस देश को विकसित देश बनाना है तो आज की तारीख में ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, और उस विज्ञान के आधार पर जो चीज़ उचित है उसका उपयोग करना सीखो। ये इस तरह के प्रोपेगंडे आपकी सिर्फ भावनाओं को भड़का के आपके विकास की मुख्य धारा से अलग रखने के लिए ये बातें कही जाती हैं। गाय एक ऐसा जानवर है जो दूध देता है और हर एक के घर में पलता है, हर व्यक्ति इसे पवित्र मानता है। सिर्फ गाय को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि यहाँ का एक अल्पसंख्यक ग्रुप है मुसलमान, जो गाय को पूजता या उसके साथ में उनकी एक अपनी परंपराएं जो भी रही हो नॉर्थ ईस्ट में, वो मिडिल ईस्ट में उनका अपना जो रहा होगा, लेकिन गाय इस देश का एक ऐसा पालतू जानवर है जो घरों में पाला जाता है, उसकी कोई हत्या नहीं करता, उसके साथ कोई गलत नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उसे धर्म को भड़का के आपको विकास से की मुख्य धारा से अलग रखना है, इसलिए इस तरह के प्रोपोगंडा किए जा रहे हैं।